हेलो इंजीनियर्स, तो मेरा नाम इंजीनियर जिशान अली है और मैं नागपुर ब्रांच सिविल गुरुजी की जो नागपुर ब्रांच है वहाँ से 1 अगस्त से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और मेरा जो आज प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो फ्लोरिंग वर्क के ऊपर है। और फ्लोरिंग वर्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पीसीसी के बाद जो हम काम करते हैं वो फ्लोरिंग वर्क करते हैं किसी भी फ्लोर्स में। तो इसमें हम जो पहला जो हमारा स्टेप आएगा वो हम फ्लोरिंग क्या होता है, वो जनरल टर्म होता है परमानेंट कवरिंग ऑफ फ्लोर। मतलब परमानेंट कवरिंग ऑफ फ्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भी किसी भी फ्लोर में अगर हम कोई भी फ्लोरिंग करते हैं, कोई भी टाइल्स बिछाते हैं, वो एक परमानेंट कवर होता है जो हमारी सरफेस होती है उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। मतलब स्मूथ सरफेस होती है, इसलिए हम उसको फ्लोरिंग कहते हैं। तो फ्लोरिंग की हमारी टाइप्स होती है। जो हमारी पहली टाइप है फ्लोरिंग की वो मार्बल की हम फ्लोरिंग करते हैं, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग करते हैं। और उसके बाद हम कोटा स्टोन यूज़ होता है जो राजस्थान की एक स्टेट है, राजस्थान की स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक स्टोन है उसको कोटा स्टोन बोलते हैं, उसको भी हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। कटनी स्टोन यूज़ होती है और हमारी टाइल्स आती है, टाइल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टाइल्स आती है, वो हम आगे आपको बताते हैं टाइल्स कौन कौन सी टाइल्स हैं। तो पहले हम मार्बल, जो आप ये इमेज में देख रहे हो, हम ये यहाँ पर हमने मार्बल की फ्लोरिंग की है। जो मार्बल की फ्लोरिंग भी अच्छी फ्लोरिंग होती है और अगर इसको हम निकालते हैं वो स्क्वायर मीटर में निकालते हैं, हमें पूरा एरिया निकालना होता है। एरिया हम निकालते हैं लेंथ और विड्थ की वजह से, लेंथ या हाइट या लेंथ और विड्थ की हेल्प से हमें एरिया मिल जाता है। और ये हमारा जो मार्बल की अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है वो स्क्वायर मीटर में निकलेगी। और ग्रेनाइट, जो हमारा जो ग्रेनाइट होता है वो जनरली हमारा यूज़ होता है कहीं भी, जैसे एंट्रेंस स्टेप्स पे यूज़ होता है और स्टीयर केस पे यूज़ होता है। ये हम ट्रेड और राइजर में यूज़ करते हैं ग्रेनाइट। और जो इसका भी सेम फॉर्मूला है एज इट इज़ उसके मार्बल पे स्क्वायर मीटर में इसको भी निकालते हैं हम। और जो जैसे हमने यहाँ पर एंट्रेंस स्टेप राइजर की हमने कैलकुलेशन निकाली है, जैसे आप देख रहे हो 2.4 इसकी लेंथ है राइजर की और इसकी जो हाइट है 0.15 और जो हमारा टोटल क्वांटिटी आ रही है राइजर की 0.36 स्क्वायर मीटर, ये हमारी राइजर की आ रही है पूरी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। और स्कर्टिंग हमारा जनरली यूज़ होता है, जो आप देख रहे हो इमेज में, ये हमारा स्कर्टिंग है। स्कर्टिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो वॉल्स है वो किसी भी डैमेज से हम उसको मतलब प्रोटेक्ट करें। जैसे वो मतलब प्रोटेक्शन मतलब किस बेसिस पे लेना है हमें, जैसे हमारा अगर हम स्कर्टिंग नहीं करेंगे, जो हम कभी पोछा वगैरह लगाते हैं तो हमारा क्या जाता है, पानी चले जाता है वॉल्स में, जिसकी वजह से वॉल्स में हमारा कैपिलरी एक्शन होता है जो हमारी वॉल्स को डैमेज करे और जो हमारा पीरियड होता है वॉल्स का वो कम हो जाता। तो इसके लिए हम स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और स्कर्टिंग हमेशा जो आप देख रहे हैं इसकी मतलब डिपेंड करता है, हमें अपने हिसाब से डिपेंड करते हैं कि हमें कितनी इसकी हाइट की स्कर्टिंग करनी होती है। जैसे हमने मास्टर बेडरूम की स्कर्टिंग की, हमारे पास 4 मास्टर बेडरूम है तो हमने इसकी स्कर्टिंग 3.6 का एरिया है और 0.15 की हमने हाइट ली है। जैसे अभी मैंने बोला कि हम कोई भी हाइट हम ले सकते हैं, वैसे मैंने इसकी हाइट जो डेप्थ है जो हाइट ली है 0.15, जो हमारा टोटल क्वांटिटी है 2.16 स्क्वायर मीटर में आई है, ये हमारी स्कर्टिंग की वैल्यू आई है। और हमारे ऐसे आते हैं डैडो वॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं। डैडो वॉल्स एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं, किचन में भी प्रोवाइड करते हैं और हम वॉशरूम में भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही स्कर्टिंग होता है, बट स्कर्टिंग हम नीचे से प्रोवाइड करते हैं। जो डैडो वॉल्स होते हैं हम वॉल के सेंटर तक प्रोवाइड करते हैं या ऊपर तक प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड पे। और हमारा है थ्रेशहोल्ड, जो थ्रेशहोल्ड होता है जो हमारा जनरली थ्रेशहोल्ड हमारे डोर्स के नीचे यूज़ हो जाता है। जो आपने दिख रही इमेज में यहाँ पर एक हमारा कारपेंटर है जो अभी काम कर रहा है, थ्रेशहोल्ड लगा रहा है, तो ये देख रहे हो इमेज में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेशहोल्ड हो तो ये यहाँ पर मेन डोर की हमने कैलकुलेशन निकाली है थ्रेशहोल्ड की, जिसकी हमारी जो लेंथ है 1.2 है और 0.2 हमारी जो वॉल की विड्थ थी वो हमने कंसिडर की और हमारा जो एरिया आया वो 0.24 स्क्वायर मीटर में आया है। उसके बाद हम नोजिंग ऑन स्टीयर केस, तो नोजिंग हम इसलिए करते हैं स्टीयर केस पे, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ग्रेनाइट है, तो नोजिंग हम इसलिए करते हैं किसी भी स्टीयर केस पे ताकि हमें कोई भी एक्सीडेंट होता है उससे हम बच पाएँ। तो ये आप देख रहे हो जो आगे के लिए जो निकला हुआ है ये नोजिंग होता है। और नोजिंग हम जनरली जो प्रोवाइड करते हैं हम वो 50 से 65 mm के बीच में प्रोवाइड करें, डिपेंड करता है हमें साइज़ ऑफ स्टीयर की, उसके हिसाब से हम नोजिंग प्रोवाइड करते हैं।
और हमारी टाइल्स, हमारा जो अभी मैंने पहले आपको पहले वीडियो में बोला था, टाइल्स हमारी दो बहुत सारी टाइप्स की टाइल्स होती है, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया विट्रीफाइड टाइल्स और सेरेमिक्स टाइल, दो टाइप्स की टाइल होती है, एक विट्रीफाइड टाइल्स होती है और सेरेमिक्स टाइल यूज होती है। जो आप इस इमेज में देख रहे हो ये विट्रीफाइड टाइल्स है, और इस इमेज में जो आप देख रहे हो ये सेरेमिक्स टाइल है। तो वेट्रीफाइड टाइल्स क्या होता है, ये हमारा डबल चार्ज टाइल होता है। वेट्रीफाइड टाइल्स को हम कैसे पहचाने, और जो हमारे जो मोस्टली घरों में यूज़ होती है टाइल, वो वेट्रीफाइड टाइल्स ही होती है। और इसको हम पहचानने का तरीका क्या है, जो इसमें होती है हमारी दो लेयर्स होती हैं, जो हमारी ऊपर जो अपर लेयर होती है वो हमारी कलर लेयर होती है, कलर पिगमेंट वाली लेयर होती है। और जो इसलिए ये प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो सरफेस की वो स्मूथनेस अच्छी रहे, और शाइनिंग के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी लोअर लेयर होती है वो बेस बॉडी होती है, वो ग्रेनाइट की, वो मतलब उसकी बेस होती है विट्रीफाइड टाइल की। और ये होती है नॉन पोरस टाइल होती है हमारी, इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है 0.05 mm होती है, एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक्स टाइल। सेरेमिक्स टाइल आपको आगे बताएंगे, बट मोस्टली जो हमारे घरों में कहीं भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ होती है वो वेट्रीफाइड टाइल्स होती है। जैसे हम यूज़ कर बेडरूम्स में यूज़ करते हैं, हॉल्स में यूज़ करते हैं, हम वेट्रीफाइड टाइल, क्योंकि हमारा वहाँ पर जो पानी है वहाँ का काम, पानी का काम बहुत कम होता है, ये नॉन पोरस टाइल वहाँ पर हमारी यूज़ हो जाती है। और जो सेरेमिक टाइल होता है ये क्या होता है, ये हमारा सिंगल चार्ज टाइल होता है हमारा, और सिंगल चार्ज टाइल के साथ ही इसकी पोरोसिटी भी ज़्यादा होती है, इसमें पोरस मतलब पोर्स ज़्यादा होते हैं, इसमें वाटर जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो 10 से 20% होती है। और ये जनरली यूज़ किया जाता है हमारे किचन्स में और वॉशरूम में, इसलिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हमारा वाटर का काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे हम कभी वॉशरूम तो दिन में 4-5 बार चले ही जाते हैं, तो हम कभी वो शावर लेने के लिए, कभी किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे कभी कपड़े धोने के लिए, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम सेरेमिक टाइल यूज़ करते हैं, ताकि वो जो सेरेमिक टाइल होती है वो हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से हम वहाँ पर यूज़ करें, ताकि हम जब यू काम करें वहाँ पर, जब चले वहाँ पर वॉशरूम में, कहीं भी किचन में, ताकि हमारा पैर स्लिप ना हो जाए, स्किड ना हो जाए, तभी इसको बोलते हैं एंटी स्किड टाइल्स। ये दीज टाइल्स आर एंटी स्किड टाइल्स। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक, ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन।